अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम यहां क्या कर रही हो? आपसे माफी मांगने आई। आप प्लीज मेरी नौकरी वापस दिला दीजिए। नहीं, आई मीन आई डोंट नो तुम क्या बात कर रहे हो। जो भी करना पड़े करो, पर प्लीज उन्हें मनाओ। यू नो ना, विराट आहूजा इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 40 इन्फ्लुएंशियल इंडियंस। सर, आपने तो कहा था मेरे मैनेजर से मुझे नौकरी से निकालने के लिए, लेकिन सर वो नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरा पूरा घर चलता है, प्लीज। मैंने तो बैंक मैनेजर को कॉल ही नहीं किया, मतलब मॉम ने निकाला इसे नौकरी से, पर अब मैं मॉम के किए को बदल कैसे सकता हूँ? आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। आप जिससे माफी मांगने के लिए कहेंगे? देखो, माफी बार बार नहीं मिलती है। और तुम लोगों ने हमारी बहुत बार इंसल्ट की, वो सब करने से पहले ये सोचना चाहिए था। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ऑनेस्टली आई नॉट इवन सॉरी अबाउट इट। लीव। लीव? सर सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आई सर प्लीज। इतना गिल्टी क्यों फील कर रहा है विराट? भी बाकी और तो जैसी है, हम शोर सिर्फ पैसों के लिए चुक रहे हैं। क्या पता वो लड़की एक्चुअली सच बोल रही हो, मैंने ज्यादा रूडली बात तो नहीं कर ली उससे। चली गई? पता था, सब ड्रामा है। इसका कोई जॉब वर्क की जरूरत नहीं थी इसे। कोई जरूरत नहीं है जय को तुम्हारी, इसका पीछा छोड़ो। इसे अभी तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अब मेरी जरूरत नहीं है इन्हें, लेकिन मैं तो बस अपने अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। उनके वजह से गिड़गिड़ा रही हो, उनके फ्यूचर के लिए तुम जय के साथ रहना चाहती हो, बस अमू की शादी तक अपना रिश्ता निभाना चाहती हूँ। ओके ओके, फेयर इनफ। तुम जो चाहती हो वो मैं करूंगी। ओके बस मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाना होगा, माफी मांगनी होगी कि कल रात को जो भी तुम लोगों ने किया वो गलत था। हमने गलत किया, मैंने तो शुरू से सब गलत ही किया है ना। हाँ, आज अगर मेरा तुम्हारे पैरों पे गिरने से, तुम्हारे पाँव पकड़ने से मेरे अमू के लिए सब ठीक हो सकता है, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। हो गई। आई क्या कर रही है तू? हाँ मैंने मना किया था ना यहाँ आने के लिए, क्यों आई है यहाँ? कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का, नहीं आना चाहिए था ना तुझे। मैं भी यही कह रही हूँ, क्यों आई तुम, क्यों आई मेरे घर पे? आपका घर? मैडम आपको यहाँ आए हुए 24 घंटे नहीं हुए, और वो सारी चीजें जो 30 साल से मेरी आई की थी उन पर हक जताना चाहती हैं आप? उसका हक है इस सब पे। उसे लूटने में तो जरा सी शर्म नहीं की आपने? कम से कम दुनिया को बताने से पहले तो शर्म कीजिए।
अम्मो गलती भवानी की है, किसने कहा दोबारा आने के लिए इसको, अपनी बेइज्जती कराने के लिए? गलती मेरी आई की है ना, गांव की है ना, सादगी जाती नहीं इसकी, सिर्फ चेहरे पहचानती है, वो कोटों को पहचानना इसे आता नहीं। तो मुझे दोहरे चेहरे वाला बोल रही है? दो चेहरों से आपका होगा कहाँ, आपके पास तो बहुत सारे चेहरे हैं। इन बाहर वालों के लिए कुछ और, घर की दीवारी में कुछ और, बीवी के लिए कुछ और, बच्चों के लिए कुछ। नहीं बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं था। मुझे दिक्कत है तो बस भवानी से, तेरे से हर्ष से कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम लोग आके मेरे साथ रह सकते हो, मुझे खुशी होगी। और आपकी खुशी के लिए मैं अपनी आई की आंसुओं का सौदा कर दूं? मुझे मंजूर नहीं है। तो ये आपका घर, आपके ऐशो आराम आपको मुबारक हो। जहां मेरी आई के लिए जगह नहीं है, वहां उसकी परछाई यानी कि अम्मू भी नहीं रहेगी। मतलब तू अपने बाबा के खिलाफ जा रही है? नहीं, मैं सिर्फ अपनी आई के साथ जा रही हूं, क्योंकि आप आपकी तरफ देखते हुए भी ना मेरी नजरें छुप जाती हैं। शर्मिंदा हो जाती हूँ मैं कि कभी मैंने आपको अपना आदर्श माना था। हर एक छोटी सी चीज में मैं आपकी जैसी बनना चाहती थी, इतने गर्व से खुद को टीम बाबा कहती थी। मुझे तो, मैं इतनी बेवकूफ थी, मुझे लगता था कि आप दुनिया के बेस्ट पिता हैं, लेकिन आप वो कहलाने के लायक नहीं हैं। लोग कहते हैं पिता को ऐसा होना चाहिए कि माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे सके, कि तेरा पति भी मेरे पति जैसा हो, लेकिन मेरी आई तो कभी मुझे ये आशीर्वाद नहीं देती। सब कुछ छीन लिया उसका, इतना गरीब कर दिया कि एक आशीर्वाद नहीं छोड़ा मेरी आई के लिए, मुझे देने के लिए। लेकिन आप ये मत समझना कि आपके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। ऊपर वाला है हमारे साथ, और जब तक वो है हम बेसहारा नहीं होंगे। और आप सब जिन हाथों से ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उन हाथों से इसके आंसू भी पोंछ सकते थे, लेकिन नहीं। खैर, आप लोगों की दया की जरूरत नहीं है मेरी आई को। आप लोग इसे कमजोरी अकेला मत समझना, भवानी है ये, दुर्गा का दूसरा नाम। नहीं हारेगी, न कभी मैं इसे हारने दूंगी। तू सबसे झुककर मिलती है ना, तेरी अच्छाई को ये लोग कमजोरी समझते हैं। अब किसी के कदमों में नहीं गिरेगी तू, दुनिया भर की खुशियां तेरे कदमों में लाकर रख दूंगी मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।